तो हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले बयान दिए हैं शिक्षकों को लेकर कि आपने 18 दिन तक काम किया नहीं और आपको किस चीज का वेतन जाया, इस पे सर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कर्मचारी शासकीय कर्मचारी है, कोई दैनिक वेतन भोगी नहीं है। ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना गलत है कि जो काम नहीं किया है उसको तनख्वाह न दिया जाए। शिक्षक तो अपने दायित्व को निभा रहे हैं, कोरोना काल में भी उनको जो ड्यूटी दिया जाता है किया जाता है, कर रहे हैं लोग। लेकिन इस तरह का दुर्भावनापूर्ण की जो काम नहीं किया है वो तो परमानेंट सर्विस कर रहे हैं शिक्षा कर्मी, तो अब शिक्षक बन गए हैं तो फिर इनको तनख्वाह देने में क्या स्थिति पैदा हो रहा है भाई? ऐसा नहीं होता। क्षेत्र के उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है, कर्मचारियों के ऊपर है, वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और उनको अपना दैनिक जो वेतन भोगी नहीं है इन्हें परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिलना चाहिए। हमारा तो ये अनुरोध है और इस तरह का घटनाओं का जिक्र करके शासकीय कर्मचारियों को एक प्रकार का उनको नर्वस किया जा रहा है, ये निंदनीय है। जी मां, धन्यवाद।